हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर पाकिस्तान को खुद चाइना ने दे दिया है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर है ये पूरी खबर बताएंगे आपको, उससे आगे बताएंगे। जहां किसी भी चुनौती में जीत हमारी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, CDS जनरल बिपिन रावत ने सुबनसिरी घाटी यानी दूसरे दौरे में ये बड़ी बात कही है। दोस्तों, ये भी पूरी बात बताएंगे आपको, उसके आगे बताएंगे। जहां पर दक्षिण चीन सागर के बाद पूर्व सागर में कब्जे की कोशिशों में जुट गया है चाइना, जिसको लेकर जापानी क्षेत्र में मच गई है हलचलें और रिकॉर्ड तोड़ घुसपैठ की गई है दोस्तों जापान में। ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे दोस्तों, उससे आगे बताएंगे। जहां नेपाल में चीन की कोशिशों पर पूरी तरह से फिर गया है पानी, ओली के खिलाफ आंदोलन तेज करने वाले हैं प्रचंड। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है, ये भी बताएंगे आपको आगे। साथ ही बताएंगे, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हजारों की संख्या में प्रदर्शन, जहां इस्तीफा देने की मांग, उसके बाद उन्होंने क्या कदम उठाया दोस्तों, इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही पाकिस्तान के PM इमरान खान को जोशी ने दे दी है चेतावनी आगे आने वाले चुनावों को लेकर। ऐसे में देखना भी ये होगा कि इमरान खान कैसा इससे इस जोशी के भविष्यवाणी के बाद रिएक्ट करते हैं। दोस्तों, आज पूरी बात आपको बताने वाले हम। साथ ही बताएंगे, जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर महंगाई भत्ते को लेकर खबर आ रही है। इसी तरह की हर खबर आपको आज बताने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा भारत गर्व का पात्र है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान का चाइना को बड़ा झटका। जहां बलूच सरकार ने ग्वादर पोर्ट की घेराबंदी का काम रोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में चाइना की महत्वाकांक्षी योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान सरकार ने चाइना की ग्वादर बंदरगाह को चार दीवारी का कार्य फिलहाल रोक दिया है। बलूचिस्तान के लोग इस योजना का सख्त विरोध कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना इमरान सरकार, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी और बलूचिस्तान सरकार ने मिलकर बंदरगाह के 3 और 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की दीवार बनाने की योजना बनाई थी। ये दीवार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत जारी परियोजनाओं की सुरक्षा को बेहतर करने के लिए बनाई जानी थी। जी हाँ दोस्तों, ग्वादर बंदरगाह का संचालन का जिम्मा चीन को सौंपा जा चुका है। CPCE के तहत चाइना से जुड़ा ये बंदरगाह मध्य एशिया और यूरोप के देशों को माल भेज रहा है। बलोच अलगाव वादियों के आंदोलन चलते CPCE पर शुरू से खतरा मंडरा रहा है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री जिया लांगो ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्वादर बंदरगाह के इर्द गिर्द दीवार बनाने के कार्य को रोके जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि काम रोकने का फैसला स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद किया गया। उन्होंने आगे कहा कि ग्वादर के बारे में निर्णय लेने से स्थानीय लोगों को वंचित नहीं रखा जाएगा, और स्थानीय लोगों को इस मुद्दे पर विश्वास में लेने के बाद फेसिंग के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों, और चाइना को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान के इस हरकत के बाद से। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चाइना किस प्रकार से एक्शन लेता है दोस्तों पाकिस्तान पर। जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान को डॉगी के रूप में देखता है दोस्तों, और अब ऐसे में क्या कदम उठाने वाला है चाइना, सब बड़ी बातें आपको बताएंगे जैसे ही कोई खबर आएगी इससे जुड़ी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते कर बड़ी खबर की ओर, जहां किसी भी चुनौती में जीत हमारी ही होगी। जी हां दोस्तों, CDS जनरल बिपिन रावत ने दूसरे दौरे में यह बड़ी बात कह दी है। बता दें आपको, चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के परिचालन क्षेत्रों में अपनी यात्रा के दूसरे दिन सैन्य बलों के प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत ने सुबनसिरी घाटी का दौरा किया। अग्रिम चौकियों पर तैनात सेना और ITBP के जवानों से मुलाकात के बाद CDS सभी रैंकों के उच्च मनोबल और प्रेरणा से संतुष्ट दिखे, और अभिनव उपायों को अपनाने के लिए
सैनिकों की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। हाल ही में चाइना ने लद्दाख के बाद अरुणाचल से सटे इलाकों में भी अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में जनरल बिपिन रावत का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपनी यात्रा के पहले दिन शनिवार को अरुणाचल प्रदेश और असम में चाइना की सीमा के साथ सैन्य ठिकानों का दौरा किया था। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अरुणाचल में दिबांग वैली और लोहित सेक्टर में वायुसेना के फॉरवर्ड ठिकानों का भी दौरा किया। इस दौरान सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एसएफएफ के जवानों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा गया है कि केवल भारतीय सैनिक ही ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सतर्क रह सकते हैं। उन्होंने भारतीय सैनिकों का उच्च मनोबल देखने के बाद कहा है कि जवानों का बुलंद हौसला देखकर यकीन होता है कि भारतीय सेना से मुकाबला करने वाले टूटकर बर्बाद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में जनरल बिपिन रावत का ये हौसला भरा हुआ बयान देखकर दोस्तों हमारी भारतीय सेना भी गदगद हो गई। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों बिपिन रावत के इस बयान को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर दक्षिण चीन सागर के बाद पूर्व सागर में कब्जे की कोशिशों में जुटा है चाइना। जापानी क्षेत्र में की है रिकॉर्ड घुसपैठ। बता दें दक्षिण चीन सागर के बाद चाइना अब पूर्व चीन सागर पर कब्जे के लिए साजिशें रच रहा है। जापान की जल सीमा से लगने वाले इस जल क्षेत्र पर कब्जे की चीन बीते 62 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन 2020 में ये कोशिश और बढ़ गई है दोस्तों। ये कोशिश 1958 के बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा की गई है। इसके तहत चाइना ने बीते साल सैकड़ों बार अपने युद्ध पोत और लड़ाकू विमान पूर्व चीन सागर में स्थित जापानी द्वीप के नजदीक भेजे हैं। पूर्व चीन सागर के जिस द्वीप को लेकर विवाद है उसे जापान में सेंकाकू द्वीप और चाइना में डायोयू द्वीप कहा जाता है। ये द्वीप जापान के प्रशासनिक अधिकार में है, जबकि चाइना इस पर अपना दावा जताता है। सन 2013 से 2018 के बीच प्रति वर्ष औसतन 720 बार चाइना के तट रक्षक पोत जापानी जल सीमा में गए, जबकि 2020 में वे 1157 बार जा चुके। ऐसे में दोस्तों आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि चाइना कितनी ज्यादा कोशिशें कर रहा है दोस्तों अब पूर्वी चीन सागर पे अपनी पकड़ बनाने के लिए। ऐसे में क्या जापान को हाथ खड़े कर देना चाहिए दोस्तों, या जापान को चाइना से पूरी तरह डटकर लगे रहना चाहिए? ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर खबर की ओर चलें तो नेपाल में चाइना की कोशिशों पर फिर नेपाल में चीन की कोशिशों पर फिरा पानी। ओली के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे प्रचंड। जी हां दोस्तों, नेपाल में आए सियासी भूचाल को रोकने के लिए चीन की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। चीन की उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों में सुलह करने से इनकार कर दिया। पुष्प कमल दहल प्रचंड धड़े ने चीन को ठेंगा दिखाते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान करते हुए दूसरे दौर के प्रदर्शन को हरी झंडी दिखा दी है। प्रचंड धड़े नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हिमल शर्मा ने कहा है कि आंदोलन की पूरी रणनीति बना ली गई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चलें तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोगों ने किया है प्रदर्शन, उनसे की है इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, इसराइल में हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेतन्याहू कोरोना वायरस संकट से ठीक प्रकार से नहीं निपट पा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में वापस जाओ और कानून की नजर में सब बराबर है लिखी तख्तियां ले रखी थी। ये प्रदर्शन नेतन्याहू के आधिकारिक कार्यालय के निकट यरूशलम चौराहे पर हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यहां कई महीनों से प्रदर्शनकारी एकत्रित होकर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हैं। नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वासघात और 3 मामलों में रिश्वत लेने के आरोप है। ये मामले उनके अरबपति सहयोगी और मीडिया क्षेत्र के दिग्गजों से जुड़े हुए हैं। नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नेतन्याहू देश का उचित तरीके से नेतृत्व नहीं कर पा रहे। आने वाले कुछ हफ्तों में इन मामलों
में सुनवाई शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों की क्या राय होने वाली है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर? क्या वहाँ की जनता बिल्कुल सही प्रदर्शन कर रही है दोस्तों, या फिर कहीं ना कहीं जनता से चूक हुई? आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके। एक और खबर की बात करें तो चीन ने मुस्लिमों को लेकर तुर्की से किया है बड़ा समझौता, अब और बढ़ाएगा उइगरों की मुसीबतें। जी हाँ दोस्तों, चीन उइगर मुसलमानों पर हमेशा से आतंकवादी होने का आरोप लगाकर उन पर अत्याचार व शोषण करता रहा है। यही वजह है दोस्तों कि वो उइगरों को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उइगरों पर लगाम कसने के लिए चाइना ने तुर्की के साथ 2017 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत तुर्की ने उइगर मुसलमानों को चीन वापस भेजने की बात की थी, लेकिन तब चाइना ने इसे लागू नहीं किया था। लेकिन अब चाइना ने इस प्रत्यर्पण समझौते को स्वीकार कर लिया है, जिससे उइगरों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। हालांकि तुर्की की संसद ने इस पर मंजूरी नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां नेपाल में जारी सियासी बवाल के बीच बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए आज मुंबई आएंगे प्रचंड। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे धड़े के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी बीमार पत्नी सीता दहल के इलाज के लिए आज मुंबई आएंगे। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। प्रचंड का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेपाल में सियासी कलह अपने चरम पर है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बट गई है दोस्तों। एक धड़े का नेतृत्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कर रहे हैं और दूसरे की अगुवाई पुष्प कमल दहल प्रचंड के हाथों में है, जैसा कि मैंने आपको पहली बड़ी खबर में बताया था। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है, और क्या आप प्रचंड का स्वागत करेंगे भारत में दोस्तों? हाँ या ना, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो इमरान के मंत्री ने कहा, पाकिस्तानी सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ 72 घंटे में दर्ज होगा मामला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने देश में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि देश की सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले सभी लोगों के खिलाफ 72 घंटे के अंदर मामले दायर किए जाएंगे। पाकिस्तान के 11 विपक्षी दलों के गठबंधन यानी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की सेना की और राजनीतिक मामलों में उसकी दखलअंदाजी की कटु आलोचना की है, और इन्हीं आलोचनाओं को देखते हुए पाकिस्तानी गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने 72 घंटे के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी की बात कही। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग एक आलोचना जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या अन्य देशों के लिए भी शेख राशिद एक्शन ले पाएंगे दोस्तों, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर चाइना ने रक्षा कानूनों में किया संशोधन, सैन्य शक्ति मजबूत करने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अपने केंद्रीय सैन्य आयोग यानी CMC की शक्ति का विस्तार करने के लिए चाइना ने 1 जनवरी से अपने राष्ट्रीय रक्षा कानूनों में संशोधन किया है। इसका प्रयोग करके देश और विदेश में राष्ट्रीय हित की रक्षा में सैन्य और नागरिक संसाधनों को जुटाया जा सकेगा। ये संशोधन सैन्य नीति तैयार करने में राज्य परिषद की भूमिका को न केवल कमतर करते हैं, बल्कि CMC को निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, से में चलते कर बड़ी खबर की ओर, जहाँ जाकिर नायक ने किया पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का समर्थन, कहा इस्लामिक देश में इजाजत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भगोड़े जाकिर नायक ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की वारदात का समर्थन किया है। विवादित स्कॉलर ने कहा है कि इस्लामिक देश में मंदिर नहीं होने चाहिए। जाकिर नायक ने कहा है कि अगर किसी भी इस्लामिक देश में कोई मंदिर है तो उसे तोड़ देना चाहिए। विवादित स्कॉलर ने मंदिरों और मूर्ति पूजा पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उसकी जमकर आलोचनाएं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जाकिर नायक ने कहा है कि इस्लाम में ये छवि बनाना मना है, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या फिर किसी जीवित पशु पक्षी की मूर्तिकारी हो, या फिर इंसानों की मूर्ति हो, या फिर पक्षियों, या फिर कीड़े मकोड़े की, ये सब कुछ इस्लाम में मना है और इसके कई सारे सबूत है। जाकिर नायक ने अपनी बात को साबित करने के लिए पैगंबर मोहम्मद से जुड़े किस्से का भी उदाहरण दिया है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे जाकिर नाइक के इन बातों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो, वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी,
मोदी, कहा बधाई हो भारत, वैज्ञानिकों ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत का जज्बा। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दो वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में वैक्सीन की मंजूरी को एक हथियार का काम करेगी। DCGI की ओर से वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुशी जताते हुए कहा है कि बधाई हो भारत। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप सभी भी बधाई जरूर दीजिएगा। अगर आप भी भारत के इस बड़े कारनामे से खुश हैं तो कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान PM इमरान खान को ज्योतिषी ने दे दी है बड़ी चेतावनी, बिलावल मरियम नए साल में पलट सकते हैं बाजी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में विपक्षी दलों के जोरदार जलसों के बीच एक चर्चित ज्योतिषी ने नए साल पर क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बने इमरान खान को चेतावनी दे डाली है कि वे सियासत की उबड़ खाबड़ पिच पर संभल कर बैटिंग करें, नहीं तो बोल्ड हो सकते हैं। पाकिस्तान की चर्चित ज्योतिषी सामिया खान ने भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2021 जहां प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। PPP के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी और PMLN नेता मरियम नवाज शरीफ के सितारे चमकते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में ज्योतिषी के बात का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, और क्या आपको भी लगता है कि इस बार आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार नहीं बनने वाली, कितने लोग मानते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हां दोस्तों, अब चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी तट रक्षक बल ने रोकी है बहामास से लापता नौका की तलाश। जी हां दोस्तों, बहामास से इस हफ्ते की शुरुआत में रवाना हुई नौका की तलाश को अमेरिकी तट रक्षक बल ने रोक दिया है। लापता हुई नौका पर 20 लोग सवार थे तथा इसे 3 दिन पहले फ्लोरिडा पहुंचना था। तट रक्षक बल के अधिकारियों ने बताया है कि बल के कर्मियों समेत अन्य ने करीब 84 घंटे तक 44,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में इन नौकाओं की तलाश की। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का फोन पर लिया हाल, जल्द स्वस्थ होने की है दुआ। जी हां दोस्तों, क्या आप लोग भी उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी की तरह ही गेट वेल सून सौरव गांगुली जरूर लिख दीजिएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की चेतावनी, पहले से और कड़ा किया जा सकता है कोरोना का लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को चेतावनी दी है कि COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा सकता है, क्योंकि देश कोरोना वायरस के नए प्रारूप यानी स्ट्रेन से जूझ रहा है। वायरस के नए प्रारूप के तेजी से फैलने के कारण शिक्षक संगठन कुछ हफ्ते के लिए देश भर में सभी स्कूलों को बंद करने की अपील कर रहे हैं। जॉनसन ने कहा है कि अभिभावकों को सोमवार से अपने बच्चों को उन इलाकों में स्कूलों में भेजना चाहिए जहां वे खुले हैं, क्योंकि खतरनाक वायरस से बच्चों को खतरा काफी कम है। जी हां दोस्तों, ऐसे में उन्होंने आगे कहा है कि आगामी हफ्तों में लोगों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में इस सप्ताह 57,725 की वृद्धि हुई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही थी ब्रिटेन से। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो अफगान शरणार्थियों पर पाकिस्तान की बड़ी कार्यवाही, जहां रद्द किए गए हैं 2 लाख से भी ज्यादा फर्जी पहचान पत्र। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो मुरादनगर में भीषण हादसे के बाद 23 लोगों की मौत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने जताया है दुख। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी हुई है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। जी हां दोस्तों, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही घटना पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है दोस्तों। साथ ही CM ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोगों की सभी संभव मदद करें। CM योगी ने अधिकारियों से घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में
में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति जी ने भी मुरादनगर में हुई इस घटना पर शोक जताया है दोस्तों। जैसा कि आप ट्वीट में देख पा रहे होंगे, ऐसे में आप भी अगर शोक जताना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही एक और खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन प्राइस को लेकर खबर, जहां टीके के लिए देना होगा कितना पैसा। सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है इन कीमतों का खुलासा। बता दें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने रविवार को अपनी वैक्सीन की कीमतों का लेकर खुलासा किया है। अदार पूनावाला ने कहा है कि वे सरकार को 200 रुपए प्रति टीके के हिसाब से ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन देंगे, तो वही आम जनता को यह वैक्सीन 1000 रुपए में मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यह वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक के मुकाबले सस्ती है और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है। उनकी कंपनी हर महीने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 50 से 60 मिलियन डोज बना रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे ने बनाई है दुनिया की सबसे पहली अस्पताल ट्रेन, जिसका नाम है द लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे। जी हां दोस्तों, बता दें भारतीय रेलवे ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे ने दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन बना डाली है, इसका नाम द लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया है। इस ट्रेन में एक अस्पताल की तरह सुविधाएं हैं। रेल मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए हॉस्पिटल ट्रेन की फोटो शेयर करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप भी कांग्रेचुलेशन IRCTC को जरूर कह दीजिएगा। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो नड्डा ने कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर कसा है तंज। उन्होंने कहा है कि जब भी देश कुछ सफलता हासिल करता है तो विपक्षी पार्टी उन उपलब्धियों का मजाक उड़ाने के लिए बेबुनियाद सिद्धांतों का सहारा ले ही लेती है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो 7वीं पे कमीशन को लेकर खबर, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अच्छी खबर, महंगाई भत्ते DA में इतने प्रतिशत इजाफा संभव है। जी हां दोस्तों, जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे देश भर के लगभग 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन लेने वालों को लाभ होगा। विभिन्न राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को भी ये लाभ मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर